1939 में एकेडमी ने ऑफिशियली फेमस निकनेम ऑस्कर को यूज करना शुरू किया, जिसके पीछे एक पॉपुलर बट अनकन्फर्म स्टोरी है। एकेडमी अवार्ड फॉर मेरिट्स और एकेडमी अवार्ड, जिन्हें हम फेमसली ऑस्कर अवार्ड के नाम से भी जानते हैं, 1929 में पहली बार एकेडमी ने 20 कैटेगरीज में एकेडमी अवार्ड फॉर मेरिट प्रेजेंट किए। तो आइए इस वीडियो में समझते हैं कि एकेडमी अवार्ड का नाम ऑस्कर पड़ने के पीछे की हिस्ट्री क्या है। Best original songs. Once again, here are the nominees. Okay. You guys ready? Ooh! RRR! एकेडमी अवार्ड फॉर मेरिट्स और एकेडमी अवार्ड, जिन्हें हम फेमसली ऑस्कर अवार्ड के नाम से भी जानते हैं, 95th ऑस्कर अवार्ड के लिए भारत से 4 मूवीज को नॉमिनेट किया गया था। इनमें से 3 मूवीज ने फाइनल लिस्ट में अपनी जगह बनाई। ब्लॉकबस्टर मूवी आरआरआर के फेमस सॉन्ग नातू नातू को द ओरिजिनल सॉन्ग कैटेगरी के लिए और द एलिफेंट विस्पर मूवी को द बेस्ट डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट फिल्म के लिए ऑस्कर अवार्ड दिए गए। 1927 में एकेडमी फॉर मोशन पिक्चर आर्ट एंड साइंस को स्टेबलाइज किया गया था। शुरुआती दिनों में यह ऑर्गेनाइजेशन फिल्म इंडस्ट्री में लेबर शॉर्टेज और फिल्म इंडस्ट्री की धूमिल होती हुई इमेज को सुधारने जैसे मुद्दों पर काम कर रहा था। 1929 में पहली बार एकेडमी ने 20 कैटेगरीज में एकेडमी अवार्ड फॉर मेरिट प्रेजेंट किए। 1939 में एकेडमी ने ऑफिशियली फेमस निकनेम ऑस्कर को यूज करना शुरू किया, जिसके पीछे एक पॉपुलर बट अनकन्फर्म स्टोरी है, जिसके अनुसार एकेडमी अवार्ड का स्टैचुएट एकेडमी के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर मार्गरेट हैरिक के अंकल जैसा हूबहू दिखता है, जिनका नाम ऑस्कर था, जिसके बाद एकेडमी अवार्ड को अपना फेमस निकनेम ऑस्कर मिल गया। 1956 में पहली बार नॉन इंग्लिश फिल्म के लिए बेस्ट फॉरेन लैंग्वेज फिल्म का ऑस्कर अवार्ड शुरू किया गया। ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।